गुरुग्राम में मासूम परविंद की हत्या के आरोपी कंडक्टर की कोर्ट में हुई पेशी। आरोपी कंडक्टर को 3 दिन की पुलिस रिमांड, 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करेगी गुरुग्राम पुलिस। प्रद्युम्न की हत्या पर सीएम मनोहर लाल का बयान, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, सभी तथ्यों की जांच करवाने के दिए आश्वासन। शिक्षा मंत्री रामविलास आज जाएंगे रयान इंटरनेशनल स्कूल। गुरुराम में मासूम की हत्या मामले में स्कूल का डिप्टी प्रिंसिपल किया गया सस्पेंड, डीईओ की अगुवाई में जांच कमेटी हुई गठित। बाबा की मायावी दुनिया से उठने लगेगा पर्दा, एक के बाद एक हो रहे अहम खुलासे, आज भी डेरे में जारी रह सकता है सर्च ऑपरेशन। डेरे में सर्च ऑपरेशन के दूसरे दिन हुए चौंकाने वाले खुलासे, बाबा की रहस्यमयी दुनिया में चल रही थी बारूद की फैक्ट्री, पटाखे बनाने का सामान बरामद, अवैध तरीके से हो रहे कामकाज का भी खुलासा। और डेरे के गुंडों पर कसने लगा एसआईटी का शिकंजा, हिंसा भड़काने के आरोप में पंचकुला डेरा प्रमुख समेत 2 लोग गिरफ्तार, चमकौर सिंह और दान सिंह कोर्ट में किए गए पेश, 10 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी। सिर्फ इस बात को लेकर हैरान हूँ कि जिस स्कूल में 6 घंटे बच्चे को छोड़ के आता हूँ, उस स्कूल ने मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखा। क्लास की टीचर के साथ बाहर निकलता था और मैं कैसे बोलूँ कि उसके साथ वो कभी बात करता था, नहीं करता था, कभी ऐसा कुछ नहीं था। अब उसने क्यों ऐसा किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। क्या आपका बच्चा स्कूल में महफूज है? क्या आपको यकीन है कि स्कूल में आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखा जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 7 साल का प्रद्युम्न अपनी मौत से बेखबर जब स्कूल पहुंचा तो काल बने बैठे एक बस कंडक्टर ने स्कूल के अंदर जाकर मासूम को मौत के घाट उतार दिया। अब सबसे पहला सवाल ये कि आखिर ये कंडक्टर स्कूल के अंदर कैसे पहुंचा? इस दौरान सुरक्षाकर्मी कहां थे? सवाल ये भी कि बच्चे की जान चले जाने के बाद भी आखिर स्कूल क्यों चलता रहा? और भी कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों के सैलाब के चलते हम कहने को मजबूर हैं, क्या महफूज है मासूम? सिर्फ इस बात को लेकर हैरान हूँ कि जिस स्कूल में 6 घंटे बच्चे को छोड़ के आता हूँ, उस स्कूल ने मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखा। क्लास की टीचर के साथ बाहर निकलता था और मैं कैसे बोलूँ कि उसके साथ वो कभी बात करता था, नहीं करता था, कभी ऐसा कुछ नहीं था। अब उसने क्यों ऐसा किया? गुरुग्राम में जो हुआ वो क्यों हुआ? एक मासूम की स्कूल परिसर में गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ, कैसे हत्या की खौफनाक कहानी लिखी गई और फिर कैसे हत्यारे ने हत्या का कबूलनामा किया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये एक माँ का विलाप है, ये माँ की चीख से निकली बद्दुआ है। तो बुला ले भाई, किसी
उसके जिगर के टुकड़े को मौत के घाट उतारने वाले जानवर को जहन्नुम भी नसीब ना हो। आंसुओं का कतरा कतरा पूरी कायनात से यही इल्तजा कर रहा है। गुरुग्राम के रियान स्कूल में 7 साल के मासूम प्रद्युमन की हत्या के बाद इंसान का भरोसा इंसान से उठना लाजमी है। जो उसका रिस्पॉन्सिबल है उसमें अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ सर? आप बता सकते हैं मेरा बच्चा 5 साल का सब करा दिया गया। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कथन कलयुग में हर रोज चरितार्थ हो रहा है। गजब देखिए, हर रोज बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला स्कूल बस का कंडक्टर क्या कर गुजरा। एक मासूम के साथ कुकर्म की कोशिश और नाकामयाब होने पर बच्चे की हत्या। अब दिल बस यही पुकार कर रहा है, हे भगवान बस इससे बुरा और कुछ ना घटे। कोई पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आएगा 8 घंटे के लिए तो किस बिलीफ पे छोड़ के आएगा ये बता दें मुझे सर। सर किस बिलीफ पे छोड़ के आएंगे सर अगर स्कूल में मर्डर होता है? एक पिता के लिए इससे बुरी घड़ी और क्या होगी कि जिसे सही सलामत चंद मिनट पहले स्कूल छोड़ा अगले ही पल उसके खून में सने होने की खबर मिली। ये बदनसीब पिता जब तक अस्पताल पहुंचा उसके कलेजे का टुकड़ा इस जहां को छोड़कर जन्नत जा पहुंचा था। मौत की खबर से पिता वरुण ठाकुर का कलेजा तार तार हो चुका था, लेकिन परिवार को संभालने का जिम्मा लिए इस पिता ने प्रद्युमन की माँ को, जो बच्चे के खून निकलने की खबर से ही बदहवास सी हो चुकी थी, उसे उसकी जिंदगी की सबसे बुरी खबर सुनाई। बस फिर क्या था, माँ का कलेजा फट गया। आंखों में आंसू पहले भी थे और अब भी है, लेकिन अब ये आंसू खून के थे। मेरे बच्चे फोर्थ में पढ़ता, फोर्थ ए में, उसने कह दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी स्कूल चेंज करा दो, मुझे नहीं जाना, उसमें मर्डर होते हैं। एक बच्चे की जान से खत्म करने की हत्या सामने आएगी तो क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? इसी स्कूल में मेरे बच्चे आते हैं, आज इस छोटे बच्चे के साथ ये होगा, कल दूसरे बच्चे के साथ होगा। दुख दर्द व्यथा विलाप और रोष से भरे परिवार ने स्कूल पर लापरवाही के आरोप लगाए। तो स्कूल की डेप्टी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने भी तेजी से काम किया और कुछ ही घंटों बाद प्रद्युमन का कातिल पुलिस गिरफ्त में था। बस का कंडक्टर अपना गुनाह भी कबूल कर चुका है। मैं डर गया था, कोई स्कूल वाले मारेंगे मेरे को, सब ये बता देगा। क्या बता देगा? जो मैं गलत काम कर रहा था। पुलिस ने काबिले तारीफ काम किया है। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और पुलिस ने साफ किया है कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की अपील भी की जाएगी। इतना ही नहीं, 7 दिन में चार्जशीट यानी आरोप पत्र भी दाखिल करने की बात कही गई है। हम 7 दिन के अंदर अंदर इस मुकदमे को हम सफल बनाकर इसका चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेंगे। वी विल बी रिक्वेस्टिंग फॉर फास्ट ट्रैकिंग द ट्रायल ऑफ दिस कोर्ट। हम ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका जो ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक किया जाए, एक स्पेशल कोर्ट इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाए ताकि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले जिस व्यक्ति ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। इस मामले पर पूरी कार्रवाई के बीच राम नाम सत्य है,
राम नाम सत्य है, इसी ध्वनि से पूरा गुरुग्राम गुंजायमान था। लोगों का ये सैलाब दुख से सराबोर अपने कदमों को शमशान की तरफ बढ़ा रहा था। गंदी सोच की भेंट चढ़ा प्रद्युमन पंचतत्व में विलीन हुआ। प्रद्युमन का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और इन्हीं सवालों के समंदर में पुलिस से लेकर सरकार और सरकार से लेकर समाज सेवी संस्थाएं भी गोते खा रही है। पुलिस और सरकार स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन 5 सितारा नुमा स्कूलों में प्रशासन कभी झांक कर भी क्यों नहीं देखता। हर बार इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आखिरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है? अगर यही शक्ति प्रशासन ने पहले दिखाई होती तो एक मासूम को जान ना गंवानी पड़ती और एक माँ की गोद सुननी ना होती। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18 हरियाणा, गुरुग्राम। राजनीतिक गलियारों में 7 साल के प्रद्युम्न की मौत के बाद हलचल है। हर कोई अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है और हर कोई ये दिलासा देने में लगा हुआ है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रद्युम्न की मौत से कई सवाल खड़े हुए, तो लाजमी है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन इससे होगा क्या? क्या मासूम प्रद्युमन वापस आ जाएगा? क्या एक बदहवास मां संभल जाएगी? क्या समाज में ऐसा फिर कभी नहीं होगा? ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा। अगर आप इन सवालों पर ध्यान देंगे तो यकीनन जवाब ना में होगा, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे दरिंदे बाहर ना घूमें जो समाज के लिए खतरा है, ये सुनिश्चित करना भी बेहद आवश्यक है, और शायद सीएम साहब भी ये बात जानते हैं। जो कंडक्टर है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको पुलिस के रिमांड पर भी ले लिया गया 3 दिन के, और हमने निर्देश दिया सभी शासन प्रशासन के अधिकारियों को कि 7 दिन के अंदर अंदर सारी फॉर्मेलिटी जितनी होती है पूरी करके और इसका चालान पेश किया जाए। स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमी है उसके लिए हमने रिपोर्ट मांगी है, डीओ बीओ की एक कमेटी बनी हुई है उनसे भी रिपोर्ट मांगी है, और जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसको मैनेजमेंट ने सस्पेंड कर दिया है, और जो भी कोई और इसमें कमी पाई जाएगी, चाहे सिक्योरिटी की पाई जाएगी चाहे और भी किसी प्रकार की, तो उसके खिलाफ पूरी पूरी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में कई मर्तबा ऐसी वारदातें सामने आती रही है जो गुरु की नगरी को कलंकित करती है, और स्कूल परिसर में स्कूल टाइमिंग में 7 साल के मासूम की हत्या के बाद हरियाणा से लेकर दिल्ली तक की हुकूमत हिल चुकी है। सीबीएसई ने भी अपने स्कूलों में क्या हो रहा है तो इसके लिए अलग से रिपोर्ट मंगवाई है और उसके बाद जो आवश्यक कदम है उठाएंगे। हरियाणा में कोई भी इस तरह का पाप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान्यता समाप्त करी जा सकती है और कोई बड़ा दंड दिया जा सकता है, ये कल की बैठक के बाद हम निर्णय करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है, और इसी कड़ी में सूबे के शिक्षा मंत्री भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं, जबकि इस हत्या के बाद विपक्षी भी दुखी दिख रहे हैं और कड़ी कार्रवाई से कुछ ज्यादा किए जाने की मांग कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति पे तो जिस देश में जो मैक्सिमम जो हो सकता है कानून के माध्यम से, वो उस व्यक्ति पे वो जो है उस तरह की कार्रवाई करी जानी चाहिए, मगर उसके अलावा जिन लोगों की एक नेग्लिजेंस रही, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, दिस इज द केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। मासूम की मौत पर हर किसी का दिल पसीजा है और कार्रवाई की बात हर किसी की जुबान पर है। बहरहाल जो होगा तब होगा, लेकिन अभी के लिए बड़ा सवाल ये कि क्यों मानवीय मूल्य धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्यों इंसान जानवर बनता जा रहा है। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा और चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज 18 हरियाणा। गुरुग्राम में 7 साल के मासूम की हत्या के बाद प्रद्युम्न के घर पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस मुलाकात के बाद हरियाणा के एक कैबिनेट मंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया कि पीड़ित पिता मंत्री के बयान पर हैरान रह गए।
जांच की आंच में चल रहे प्रद्युमन हत्याकांड में पूरे प्रदेश के साथ साथ देश की निगाहें भी इसी मामले पर लगी है। नेताओं का पीड़ित परिवार के घर पहुंचना भी जारी है और इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर भी परिवार का दुख साझा करने पहुंचे। परिवार के साथ मुलाकात के बाद जब साहब से सवाल हुआ कि क्या पीड़ित परिवार की मांग पर सीबीआई जांच करवाई जाएगी, तो मंत्री जी का जवाब क्या रहा आप भी सुनिए। हर केस की आजकल एक टेंडेंसी चल गई कि सीबीआई की इंक्वायरी आम लोग मांग करते हैं। इस बयान पर पीड़ित के पिता ने आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री को परिवार के सामने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने क्या सोच के ये बयान दिया, मैं तो उनकी सोच का मुझे नहीं पता, बट जिस फैमिली के साथ ऐसा बीता हो उसके सामने एटलीस्ट ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि बता दें कि मंत्री जी साफ कर चुके हैं कि अगर हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट ना हुआ तो और विकल्पों के बारे में सोचा जा सकता है। बहुत से लोगों ने मांग की दाग के समय जब मैं गया कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। हर केस की आजकल एक टेंडेंसी चल गई कि सीबीआई की इंक्वायरी आम लोग मांग करते हैं। मैंने कहा कि आपकी सरकार हरियाणा सरकार की पुलिस द्वारा जो इंक्वायरी की जाएगी उससे तसल्ली नहीं होगी, उसके बाद मैं करूंगा। मैं दोबारा फिर आपके बीच में आऊंगा, यदि आपकी तसल्ली ना होगी फिर बात करेंगे। लाजमी है कि परिवारजन दुखी है और जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाना चाहते हैं। लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू ये भी है कि मंत्रियों को ऐसी संवेदनशील जगहों पर सोच समझ कर बयान देने चाहिए। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18 हरियाणा। अब उसने क्यों ऐसा किया? हरियाणा में पहली बार खेलों का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। 24 सितंबर से हरियाणा के सभी 22 जिलों में इसकी शुरुआत होगी। सूबे के मुखिया मनोहर लाल 24 सितंबर को करनाल में महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। 24 सितंबर से 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस महाकुंभ में 24 नेशनल गेम्स को शामिल किया गया है। हरियाणा के खेल निदेशक जगदीप सिंह ने बताया कि इससे हरियाणा में ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। खेल महाकुंभ का जो इस बार शुभारंभ किया जा रहा है, ये फर्स्ट एडिशन है हरियाणा में और ये हर साल प्रत्येक वर्ष करवाया जाएगा, जो खेलों को पूरे ग्रास रूट लेवल पर बढ़ावा देने के लिए और जो यंग जनरेशन है उसमें खेल के प्रति उत्साह जगाने के लिए, ताकि वो खेल के प्रति आकर्षित हों और अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें। ये 24 सितंबर से इसकी ओपनिंग हो रही है जो करनाल में की जाएगी खेल महाकुंभ की, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और माननीय खेल मंत्री अनिल विज जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आरंभ करेंगे उसको। उसी दिन से ही हमारे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप शुरू हो जाएगी। जो 24 गेम हैं जो इसमें लिए हैं हमने, जो नेशनल गेम्स के ही पार्ट हैं, सिर्फ वही इसमें गेम हमने छोड़े हैं जो वाटर गेम्स हैं, जो पानी या समुंदर में होते हैं, जो हरियाणा में संभव नहीं है। और नदियों को निर्मल और अविरल बनाने की पॉलिसी के लिए रैली फॉर रिवर्स जारी है। शनिवार को इसका पड़ाव बेंगलुरु में था। नदियां हैं तो जीवन है, नदियां हैं तो सरगम है। नदियां सूख गई तो पृथ्वी वीरान हो जाएगी और इन जीवनदायिनी नदियों को बचाने का पीड़ा उठाया है ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जगी वासुदेव ने, जो इसे लेकर रैली फॉर रिवर्स में जुटे हैं। कोयंबटूर से निकला रैली फॉर रिवर्स का काफिला मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली और मैसूर होते हुए शनिवार को बेंगलुरु पहुंचा। बेंगलुरु में आयोजित रैली फॉर रिवर्स के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा और अनंत कुमार शामिल हुए।
यहां कार्यक्रम में आए हजारों लोगों को सदगुरु जग्गी वासुदेव ने नदियों को बचाने की अपील की और कहा कि नदियां नहीं होंगी तो धरती बंजर हो जाएगी। ऑर्गेनिक कंटेंट इन आवर सॉइल इज 0.05%। आई होप यू हर्ड मी, इट्स नॉट 0.5, इट इज 0.05%। दिस मींस दिस सॉइल इज प्लेटेड टू बिकम sand in the next 3 to 5 years. It is estimated in the next 5 years nearly 25% of India will be uncultivable. जीवनदायिनी नदियों को बचाने के लिए सदगुरु की रैली 3 सितंबर को कोयंबटूर से शुरू हुई जो 16 राज्यों में होते हुए हिमालय तक जाएगी और 2 अक्टूबर को दिल्ली में इसका समापन होगा। इस दौरान जगह जगह बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें राज्यों के सीएम भी हिस्सा लेंगे। इन प्रोग्राम्स के बीच पर्यावरण विशेषज्ञ और कानून के जानकार एक मसौदा तैयार करेंगे जिसे पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को सौंपा जाएगा। सदगुरु और ईशा फाउंडेशन के इस नेक मकसद को खेल, राजनीति, बॉलीवुड समेत कई क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों का समर्थन मिल रहा है। इस पूरे अभियान में ईटीवी नेटवर्क मीडिया पार्टनर की अहम भूमिका निभा रहा है। आप भी 800098000 पर मिस कॉल देकर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, नदियों को बचाने में अहम योगदान दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा की ताजा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट news18haryana.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं और इसके अलावा आप फेसबुक पर www.facebook.com/news18haryana पर हरियाणा की खबरें भी देख सकते हैं। साथ ही हरियाणा की पल पल की खबरों के लिए ट्विटर हैंडल @news18haryana को भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।